हेलो स्पिरेंट्स, वेरी वॉर्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनलिस्ट आईएएस। तो आज का जो डिस्कशन है वो हमारा चाइल्ड लेबर पे है। रीज़न इज़ कि आपने ये वीडियो देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा फिलहाल फेसबुक वगैरह पर वायरल था। द रीज़न इज़ कि आप इसमें देख सकते थे कि एक पायलट महिला को कुछ महिलाएं मिलकर पीट रही थी। कारण ये था कि ये जो हम महिला हैं और इनके जो हस्बैंड हैं, इनका एक 4 साल का बच्चा है जिसकी केयर टेकिंग के लिए उन्होंने एक 10 साल की बच्ची को अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट पर रखा था, ताकि वो इस एज अ होम हेल्पर। लेटर ऑन किसी बात पर इन्होंने उसको मेंटली अब्यूज किया, और ये भी माना जाता है कि उस बच्ची के हाथ पर इन्होंने प्रेस से जलाया था। तो ये कुछ एक वीडियो का व्यू था। नाउ द थिंग इज, इससे चाइल्ड लेबर के लिए जो होता है या इनसे के लॉस से रिलेटेड ये चीज़ें यूपीएससी के वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है चाइल्ड लेबर। सो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द चाइल्ड लेबर, इसका स्टेटस क्या है इंडिया में, कितने चाइल्ड लेबर्स हैं, उसका डेटा, COVID-19 का इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसके अलावा हम देखेंगे चाइल्ड लेबर के बच्चों की जिंदगी पे और वैसे भी क्या इंपैक्ट्स पड़ते हैं। इसके अलावा वी हैव व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग टू कर्ब द चाइल्ड लेबर। सो आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग आवर टुडेज प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज रिसेंटली इंसिडेंट मैं आपको बता चुका हूँ। सो नाउ ये था वो वीडियो, दिस वॉज इन न्यूज। सो अलीज ली उसके रिलेटिव ने इसको पीटा था, ये चीज़ हुई थी। नाउ द थिंग इज, व्हाट इज दिस चाइल्ड लेबर। तो किसी भी बच्चे का किसी भी मैनुअल वर्क में, जिसमें उनको पैसा मिले या ना मिले, दोनों चीज़ें, ये करना जो है दिस इज़ अ चाइल्ड लेबर। एंड अगर हम 2001 सेंसस की बात माने तो जो एज ग्रुप है 5 से 14 ईयर्स का, जो टोटल बच्चे हैं वो 259.6 मिलियन है। उसमें से 10 मिलियन बच्चे जो थे वो एज अ चाइल्ड लेबर या देबर वर्किंग एक्चुअली। इवन की जो रेट है उसमें डिक्लाइन 6 का आया है, लेकिन जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं जिसमें चाइल्ड लेबर इरेडिकेट करना है 2025 तक इन द ऑल फॉर्म्स, इसका जो टारगेट है दैट इज 8.7 डिक्लाइन रेट। बट इंडिया का जो डिक्लाइन रेट है इट्स नियर 6। नाउ द थिंग इज दैट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इट। सो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की अगर रिपोर्ट 2022 की देखें तो 2021 में लगभग 982 केसेस थे जो कि रजिस्टर हुए थे चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर। 1986 का ये एक्ट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो थे वो तेलंगाना में रजिस्टर हुए थे और उसके बाद आसाम में। स्टडी की बात माने तो कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो था, यहाँ पे सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन देखा गया था। लगभग लगभग 818 बच्चों का जिन्होंने सर्वे किया था, वहां पे 28% पहले वर्किंग थे, देन वो 79% लगभग हो गए COVID-19 के बाद से या फिर स्कूलों के बंद होने से। स्टेट्स में जहाँ पे सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर को रखने वाले एम्प्लॉयर्स रहते हैं, उसमें यूपी है, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाके। चाइल्ड लेबर का अगर हम स्टार्ट देखेंगे तो लगभग 10.1 मिलियन पीपल, बेसिकली चिल्ड्रन आर एंगेज इन वर्क, जिसमें से लगभग 45 लाख फीमेल्स हैं और 56 लाख मेल बच्चे हैं। एंड लगभग जो चाइल्ड लेबर फोर्स जो है ये लगभग 13% टोटल वर्क फोर्स का कंस्टिट्यूट करती है, तो ये काफ़ी बड़ा एक वो है। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये हमारे पास जो डेटा है दिस इज ऑफ वर्ल्ड, कि ऐसे कौन कौन से टाइप के चाइल्ड काम होते हैं जिसमें बच्चों को रखा जाता है। तो सबसे पहला प्लांटेशंस में, तो लगभग 70% जो जितने भी चाइल्ड लेबर्स थे वो प्लांटेशन या फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ में थे, जैसे कि फ्लावर उगाने में, कोकोआ, टी, कॉटन, टोबैको, इन सब इंडस्ट्रीज में ये बच्चे काम करते हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं। देन माइनिंग एंड क्वेरिंग में लगभग 2% जो चाइल्ड लेबर थे माइनिंग क्वेरिंग से आते हैं, अफगानिस्तान, अर्जेंटीना में, एल्वासाडोर, युगांडा, कोलंबिया, इस तरफ। कहीं जेम्स की माइनिंग होती है, कहीं कोल की माइनिंग होती है। सो ये टोटल है। देन वी हैव चिल्ड्रन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में वर्क करते हैं, जैसे गारमेंट्स की शॉप में वर्क करते हैं, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे पाकिस्तान में यहाँ बच्चे इस तरीके से काम करते हैं। देन फुटबॉल स्टिच करने में, ये भी पाकिस्तान में काम होता है। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ चाइल्ड जो होते हैं जो अनकंडीशनल वर्स्ट फॉर्म्स में होते हैं, जैसे पॉर्नोग्राफी में, कोलंबिया, कंबोडिया, थाईलैंड वाले इलाके। देन प्लास्टिक बैग कलेक्शन में इंडिया में, कैन कनेक्शन में भी इंडिया वगैरह के एग्जाम्पल इंडोनेशिया, ट्रैफिकिंग और हार्ड ड्रग तो मेक्सिको, पेरू, ब्राजील, ये सब आते हैं, और चाइल्ड सोल्जर तो जैसे अफगानिस्तान है, कोलंबिया, इंडोनेशिया, सूडान है, अफ्रीका के कुछ हैं, देन फिलीपींस है। ये दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाइल्ड लेबर, राइट। एंड एक चीज़ और कि लगभग 168 मिलियन जो चाइल्ड लेबर्स वर्ल्ड में हैं, उसमें मोर देन हाफ जो बच्चे हैं लगभग 85 मिलियन, वो हैजार्डस वर्क से रिलेटेड है, माइनिंग हो गया या ये। नाउ इम्पैक्ट अगर हम COVID-19 पेंडेमिक का देखें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लगभग 25 मिलियन लोग ऐसे थे, 25 करोड़ ओवर वर्ल्ड में, जिनकी जॉब छूटी थी। नाउ अब एज पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनमीज, इसका जो वीकली ट्रैकर सर्वे है, इसमें COVID-19 का इसमें बताया कि जो इम्पैक्ट है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर 30.9% इट हैज इंक्रीज,
उन बच्चों की बात करें जो अनाथ हो गए, तो पर्टिकुलरली वो लोग ट्रैफिकिंग को ज्यादा वनलेबल हो जाते हैं, अदर एक्सप्लोइटेशन जैसे फोर्स्ड बेगिंग हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया। और कुछ फैमिलीज में जो बड़े बच्चे हैं उनको स्कूल छोड़ना पड़ जाता है अपने घर के छोटे बच्चों का ध्यान रखने के लिए, अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो। रूरल एरियाज में जनरली होता है। टोटल ऑफ 591 बच्चे बचाए गए थे बचपन बचाओ आंदोलन से। सो नाउ इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहला ये बच्चे को बचपने को ही खत्म कर देता है। ये उसका राइट टू एजुकेशन तो डिनाई करता करता है, बट जो राइट टू लीजर है इसको भी डिनाई कर देता है। एडल्ट लाइफ को भी बच्चों को प्रॉपर स्किल्स एजुकेशन नहीं मिल पाते, तो वो बड़े होकर उनको वो डिसेंट वर्क करने की जो अपॉर्चुनिटीज है वो नहीं मिल पाती जब वो एडल्ट रूप में आते हैं। मेजर हेल्थ एंड फिजिकल रिस्क होते हैं, कई घंटों का काम कराया जाता है जिसमें मेंटली और फिजिकली उतना छोटा बच्चा अनप्रिपेयर्ड होता है। हैजार्डस सिचुएशंस में काम करने से फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल इफेक्ट हो जाता है, इमोशनल इफेक्ट्स होते हैं, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में इफेक्ट आता है। पॉवर्टी एक कॉज भी है और कॉन्सिक्वेंस भी है चाइल्ड लेबर का। हाउस होल्ड जहाँ पे पॉवर्टी है वहाँ बच्चों को लेबर मार्केट में जाना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। अब अगर वो मार्केट में जाते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी मिस होती है फॉर द एजुकेशन के लिए, जिसको वो आगे जैसे हाउस, अभी हम इसको एक विशियस साइकिल में पढ़ लेते हैं, दिस इज द साइकिल। अगर कहीं पे पॉवर्टी है तो वहां पे बच्चों को चाइल्ड लेबर के रूप में पैसा कमाना पड़ता है। ये कमाएंगे तो पुअर वेजेस पहले मिलते हैं, उसके अलावा प्रॉपर स्किल्स इनको नहीं मिल पाती हैं। तो लेटर ऑन व्हाट विल हैपन कि वो स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा सकते एंड उनके जो लेबर स्टैंडर्ड्स हैं वो डिटोरिएट होते चले जाते हैं। अगेन दे विल गो इन टू द पॉवर्टी एंड दिस साइकिल विल, दिस विशियस साइकिल विल अगेन रिपीट। सो आप इस वाली साइकिल को मेन आंसर के लिए कहीं लिख सकते हैं। देन वट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू कर्ब द चाइल्ड लेबर इन इंडिया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, अमेंडमेंट 86 जो था 2002 के एक्ट का, इसने आर्टिकल 21A इंक्लूड किया था जिसमें जो फंडामेंटल राइट है दैट वॉज प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन बिटवीन द 6 to 14 एज ग्रुप, कि उनको फ्री कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। आर्टिकल 23 है ये फोर्स्ड वर्क या ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन करता है, प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 24 है ये स्पेसिफिकली चाइल्ड लेबर जो है, ये कहता है कि कोई भी बच्चा जो 14 साल से छोटा है उसको किसी फैक्ट्री, माइन या अदर किसी डेंजरस ऑक्यूपेशन में उसको नहीं एम्प्लॉय किया जाएगा। नाउ वी हैव चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, ये 2016 में अमेंड हुई थी। एंड ये एक्ट जो है ये 1986 का है। ये जो बच्चों का एम्प्लॉयमेंट है, जो 14 साल से छोटे बच्चे थे, कंप्लीटली उनका प्रोहिबिशन था किसी भी ऑक्यूपेशन में। नाउ द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, देन देर इज नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर, देन देर इज पेंसिल पोर्टल, देन देर आर सम कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनको इंडिया ने रेटिफाई किया है, जैसे मिनिमम एज कन्वेंशन और जो वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन है। नाउ वील बी डिस्कसिंग आवर टूडेज क्वेश्चन। सो इट्स प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन केम इन द ईयर ऑफ 2018 ऑफ यूपीएससी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 एंड 182 आर रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर, adaptation of agriculture practices to the global climate change, regulation of food prices and security, gender parity at the workplace. Now we have our main practice question. So why is child labor so prevalent in India? Discuss what are the institutional measures in place to prevent the exploitation of children. So this was all about today's video session. I hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.